Hello?

आज की क्लास जो है वो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स के लिए हम चैप्टर नंबर फाइव सीड्स एंड सीड्स कवर कर रहे हैं जिसमें हम काफी सारी चीजें ऑलरेडी सीड्स के बारे में पढ़ चुके हैं हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इसके पढ़ कवर कर लिए हैं जिसमें हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करके अब तो हम उसके मिड पार्ट पे पहुंच चुके हैं ठीक है तो जो बच्चे कंटिन्यूसली सारे चीज़ें फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि हमने कितना पार्ट अभी तक कंप्लीट कर दिया है ओके okay, स्टूडेंट्स तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली हमने ये देख लिया कि कैसे जो सीड है एक स्टार्टिंग में एक स्टोरी पड़ी थी है ना उस सीड वो कैसे स्प्राउटेड हुआ ये पता चला गोपाल को उसके बाद हमने उसका एक एक्सपेरिमेंट करा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने देखा कि क्या क्या एजेंशियल्स है कैसे सीड से प्लांट बनता है तीन चीज़ें लगती हैं वाटर सॉइल एंड एयर विदाउट दीज थ्री थिंग्स कोई भी सीड प्लांट नहीं बन पाएगा फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस और करे क्वेश्चंस में देखा कि कौन से कैसे एक सीड प्लांट बनता है उसमें हमने उसकी प्रोसेस देखी कि सीडलिंग होती है सीडलिंग में क्या होता है रूट्स फैलती हैं रूट्स फैलती हैं तो क्या करती हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं जिसके कारण प्लांट जो है बढ़ता जाता है तो सॉइल के न्यूट्रिय वाटर और एयर के कारण प्लांट जो है बढ़ जाता है फिर हमने देखा क्या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड के बगैर बन जाते हैं तो हमने वो भी देखा हाँ हैं जैसे अनियन पड़ा हमने गार्लिक पड़ा, स्ट्रॉबेरीज पड़ा तो ये इतनी सारी चीज़ें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये पूरा आपका जो चैप्टर है यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं ठीक है तो उतना स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कोई डाउट हो कोई भी चीज़ आपको दिक्कत आए तो एक बार फिर से देखिए फिर भी आए तो मुझे बताइए तो हम उसको और क्लियर करेंगे और अच्छे से उसको हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो अभी तक पढ़ हैं, वो सीड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कैसे सीड प्लांट बनता है और आज की क्लास में भी हम बहुत सारी चीजें सीड से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज का एक टॉपिक तो है हमारा प्लांट विच हंट तो सोचो ऐसा प्लांट जो हंट कर सकता हो याने खा सकता हो मार सकता हो शिकार कर सकता हो हंट यानी शिकार करना तो शिकार भी कर सकता हो तो प्लांट विच हंट में हम प्लांट एक ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो खुद का शिकार करता है सोचो अभी तक हम सोचते थे कि सिर्फ लोग ह्यूमंस शिकार करते हैं सिर्फ एनिमल्स शिकार करते हैं पर आज एक प्लांट पढ़ने वाले हैं जो शिकार करता है ठीक है और नेक्स्ट टॉपिक हम उसमें पढ़ने वाले सो मेनी सीड्स तो अभी जैसा मैंने बताया चैप्टर सीड्स के ही बारे में है तो इसमें हम बहुत सारे सीड्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है स्टूडेंट्स चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आर टॉपिक ओके चलो सबसे पहले बुक्स फटाफट से ओपन कर लीजिए बुक ओपन करनी है पेज नंबर फोर्टी सिक्स आपको ओपन करना है ठीक है बुक ओपन करके व्हाट यू हैव टू डू इज पेज नंबर फोर्टी सिक्स आपको ओपन करना है यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ठीक है हम यहाँ से कवर करने वाले हैं और इसी प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है ऑल राइट रेडी विथ योर बुक्स एंड पेंसिल्स

सोच so, रहे हो एक ऐसा प्लांट जो क्या क्या खा सकता है फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड माइस ये तीनों तरह की चीजें जो हैं वो प्लांट खा सकता है सो द पिक्चर प्लांट इज वन सच प्लांट इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया तो एक पिक्चर प्लांट है जो क्या होता है आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया में और मेघालय में ठीक है ये प्लांट क्या करता है ये चीजें खाता है इसको भूख लगती है अपना मुंह खोलता है और वो खा जाता है जी हाँ प्लांट इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप्ड एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ तो इसका जो मुंह है अब यहां देख पा रहे हो अभी तो इसका मुंह खुला हुआ है पर इसका जो मुंह है वो किससे कवर होता है वो लीव्स से कवर होता है तो किसी को पता नहीं चलता सारे इंसेक्ट्स और जो फ्रॉग्स रहते हैं जो माइस रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो है प्लांट हमें खा जाएगा तो सोचते हैं बाकी प्लांट्स की तरह ही है उसकी लीव्स दिख रही है सब दिख रहा है तो उसके ऊपर आ जाते हैं कैसे आते हैं द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेकट टू इट उसकी अच्छी सी स्मेल होती है ऐसी स्मेल जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे कि वो इंसेक्ट उस पर सूं कर उस स्मेल को स्मेल करके उसके पास आए खुद आता है इंसेक्ट उसके पास क्योंकि ये प्लांट चल नहीं सकता है ये प्लांट में क्या है पर दिमाग भी है पहले ये चल नहीं सकता है पर वो दिमा कैसे यूज करता है अपना दिमाग को कि मैं मेरी स्मेल ऐसी फैलाओ कि शिकार जो है खुद मेरे पास आए और फिर मैं उसे खा जाऊँ तो उसकी स्मेल ऐसी है कि इंसेक्ट्स वगैरह उसके पास आ जाते हैं एंड वेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट और जैसे ही वो जो इंसेक्ट हैं वो अगर उसके प्लांट के ऊपर आते हैं आकर बैठ जाते हैं प्लांट के ऊपर इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट और वैसे ही वो प्लांट क्या करता है अपना मुंह बंद कर लेता है और बड़ी आराम से उसको खा जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो ये प्लांट जो होता है ये क्या करता है ये लीव्स से कवर रहता है और इसकी स्मेल जो है दूर तक फैलती है वहाँ से कोई इंसेक्ट आता है और नॉर्मली इस प्लांट पर आके बैठता है जैसे ये आके बैठता है उसको ये अपने मुँह में बंद कर लेता है और खा जाता है तो इस तरह से एक क्लेवर वे से वॉट आर क्लेवर वे टू हंट एक क्लेवर मतलब शातिर तरीके से वो हंट करता है प्लांट जिसका नाम है पिक्चर प्लांट क्लियर है तो आज आपने एक ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ा जो क्या करता है अपना खुद का शिकार करता है और चीजें खा लेता है जो हमें आज तक नहीं पता थी तो अब ये इंफॉर्मेशन यू कैन यूज इट वेन यू नीड इट ओके कहाँ कहाँ पाया जाता है वो भी हमें याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और इंडिया में कहाँ पाया जाता है मेघालय ठीक है ये याद रखना है? कोई पूछ ले तो अच्छा ऐसा प्लांट होता है तुमने पूरी बात बताई कि पता है ऐसा ऐसा प्लांट होता है फिर वो चाचा चाहिए कहाँ पे होता है तो बोलो ये तो नहीं पता ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने आपको सब पढ़ाया तो आप भी सब कुछ बता के आओ कि ये जो है मेघालय में पाया जाता है ठीक है इंडिया में और बाहर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में भी है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सो मेनी सीड्स के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट वेयर विल यू फाइंड देम ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टूगेदर नाउ ऑब्जर्व दी केयर सीड्स केयरफुली देयर शेप्स साइज colors, textures, which इज स्मूथ और रफ सो so what यू हैव टू डू आपको बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करने हैं अलग अलग तरह के सीड्स कलेक्ट करिए कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए आप रखने के बाद उन पर आपको तीन चार चीज़ें बतानी हैं उनका क्या शेप है उनका क्या साइज़ है उनका क्या कलर है और उनका क्या टेक्सचर है टेक्सचर यानी कि स्मूथ है छूने में या रफ़ है ठीक है रफ यार खुरदुरे से होते हैं तो वो रफ़ होते हैं ठीक है ठीके? ज्यादा तो कुछ सोचना नहीं है अब क्या क्या सीड्स कलेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको खुद बता देती हूँ उसमें मैं आपको सब कुछ चीजें बता दूंगी वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट वॉट आप ये चीज बाद में यही चीजें कलेक्ट करके और देखना वही चीजें सेम जो हमने यहाँ लिखी है वो हो रही है कि नहीं है ठीक है चलो मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस तो सबसे पहले एक चार्ट बनाओ कॉपी में व्हाट यू हैव टू डू इज चार कॉलम्स बनाओ वन वन टू थ्री ठीक है इसमें आपके चार कॉलम्स बन जाएंगे लाइंस खींचोगे तो ये गया वन योग यो थ्री यो गया फोर ठीक है क्या हेडिंग लिखोगे नेम ऑफ द सीड कलर शेप और टेक्सचर ठीक है नेम ऑफ द सीड कलर शेप और टेक्सचर ये चार कॉलम्स बनाने को बोले थे आप बना लो अब जैसे इतने पहले में लिख दिया राजमा ठीक है राजमा तो हमने देखा है ब्राउनिश कलर का होता है तो देखो रेडिश ब्राउन ठीक है अब ऐसा उसका शेप होता है किडनी का शेप का होता है ऐसा सा शेप होता है तो वो ड्रॉप कर दो ठीक है टेक्सचर कैसा रहता है वो बहुत ही चिकना सा रहता है इसलिए स्मूथ लिखा है तो बीज का भी आपने राजमा का बीज देखा होगा तो बहुत ही चिकना सा रहता है तो भाग के जाओ एक राजमा का सीड ले आओ ले आए तो इसको अपने पास रख लो एक सीड हो गया ठीक है मम्मा से मांगते रहो मम्मा को बोलो कि साथ में बैठ के देखो मम्मा ये क्लास में मुझे जो जो चाहिए वो आप ला के दो ठीक है तो हम पढ़ते जाएंगे और चीज़ें देखते जाएंगे ऑब्जर्व करते जाएंगे टेबल में लिखते जाएंगे अब नेक्स्ट है राजमा तो हो गया मूंग मूंग का कैसा होता है छोटा सा गोल सा होगा मम्मा से मांगो मिला ठीक है अब मूंग में आपको क्या लिखना है कलर ग्रीन कलर का होगा राइट ड्रॉ कर दो इसको सेल्फ ऐसा सा ड्रॉ कर दो सर्कल सा खुद से ड्रॉ करो ठीक है छोटा सा जो सीड है ड्रॉ कर लेना उसको नेक्स्ट क्या है वो भी सॉफ्ट होगा ऑब्वियस सी बात है देन है चना चना का कैसा होता है चना कैसे कलर का होता है चना फा, फा, हमने खुद भी देखा है इससे प्रीवियस क्लासेस में है ना चना ब्राउन कलर का होता है ड्रॉ कर दो ऐसे गोल सा बड़ा सा थोड़ा बड़ा कर दो चना हो जाएगा वो ये भी सॉफ्ट होता है फिर है पपाया अब आ गए फ्रूट्स फ्रूट्स जो होते हैं पपाया पपाया का कैसा बीज होता है ब्लैक कलर का बीज होता है ठीक है और वो भी आप थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर सकते हो पपाया का आई एम नॉट ड्रॉइंग बिकॉज यहाँ प्लेस नहीं है ड्रॉ सेल्फ में आपको खुद ड्रॉ करते जाना है मम्मा से अब पपाया का नहीं मिल रहा होगा अभी अगर सीड क्योंकि घर में अगर पपाया नहीं होगा तो सीड भी नहीं मिलेगा और जिनके पास है वो काट के उसको सीड देख लें जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं स्टूडेंट्स जब आपके पास पपाया आएगा तब आप देख लेना ठीक है नेक्स्ट देखो और सीड्स हमें बहुत सारे सो मेनी सीड्स कलेक्ट करने हैं तो अभी अभी हार नहीं मानना है ना मैंगो मैंगो का सीड आपके पास है तो मैंगो का सीड है मैंगो का सीड आप सबने मैंगो खाया तो लास्ट में सबने वो देखा होगा गुटली जिसे हम कहते हैं वो निकलती है ना वो बड़ी सी होती है बहुत बड़ी होती है वो मैंगो का सीड है तो वो कैसे कलर की होती है वाइटिश येलो कलर की होती है यहाँ ड्रॉ कर देना बड़ी सी ऐसी गुटली ठीक है रफ वो तो बहुत ही रफ सी होती है ना एनी सीड और नीचे है उसके क्यूमिन सीड क्यूमिन और एनी यानी एनी सीड तो आराम से मिल जाएगा घरों में मम्मा से बोलो मम्मा सॉफ दे दो तो मम्मा सॉफ्ट दे देगी एनी सीड बहुत छोटी सी होती है ग्रीन कलर का इतना सा बीज होता है सॉफ्ट ही होगा क्यूमन सीड भी पता है जीरा मांगो मम्मा से जीरा दे दो मम्मा मिला वो भी बिल्कुल एनी सीड जैसा ही होता है सॉफ्ट जैसे दिखता है बट दोनों का कलर अलग होता है एनी सीड जो है ग्रीन होता है पर ये कैसा होता है ब्राउनिश कलर का होता है क्यूमन सीड ड्रॉ खुद करना है सॉफ्ट सरफेस का होता है देन है एप्पल एप्पल के जो सीड्स होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं जब हम एप्पल को बीच से काटते हैं तो, तो हमें दिखते हैं राइट right? तो वह एप्पल कौन से कलर के होते हैं वो ब्राउन कलर के सीड होते हैं खुद ड्रॉ करना है सॉफ्ट ही होते हैं मस्टर्ड के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था मस्टर्ड के सीड पर आपको ग्रीन ब्लैक येलो मिलेंगे ठीक है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो देख लो बाकी कलर तीनों लिख लो क्योंकि ग्रीन ब्लैक येलो आपको सब मिलेंगे आपके पास ब्लैक तो इजीली अवेलेबल होगा राइट लेडी फिंगर और मस्क मेलन इनके भी आप लिख लो तो सिमिलरली ऐसे ही हमें सीड्स को देखना है जो जो सीड्स आप देख पाए इजीली तो अच्छी बात है नहीं देख पाए तो जब भी वो फ्रूट और वेजिटेबल आपके पास आए तो आप उनके सीड्स देख सकते हो ठीक है ये हो गया चार्ट ढेर सारे सीड्स के जो हमने सीड्स के बारे में देखा उनका एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया अब इसी चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो वो भी हमें इसी चार्ट से रिलेटेड ही सॉल्व करने हैं ठीक है

सॉफ को कहते हैं एनी सीड ठीक है और इनके बारे में भी हमने लिखा है इसका जो सीड है वो ग्रीन कलर का होता है इसका सीड होता है ब्राउनिश कलर का ठीक है दोनों के सरफेस सॉफ्ट होते हैं और ये खा भी सकते हो आप और रेगुलरली हमारे घर में भी प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था और सबसे बिगेस्ट कौन सा है so, सबसे स्मॉलेस्ट देखो क्यूमिन ही होता है क्यूमन यानी कि जीरा क्यूमन लिख लो एनी सीड लिख लो एक ही बात है ठीक है यहाँ पे या ऐसे करके एनी सीड भी लिख सकते हो वॉज द स्मॉलेस्ट ये सबसे स्मॉलेस्ट थे और बड़ा सबसे मैंगो का सीड बहुत बड़ा होता है ना तो मैंगो सीड इज लार्जेस्ट वन ठीक है सबसे छोटा या फिर एनी और सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा सीड है मैंगो का सीड सीड दैट आर यूज एज पीसीज स्पाइसेस इन योर होम स्पाइसेस यानी मसालों की तरह जो यूज होता हो ऐसा कौन सा हमने सीड देखे ले? देखो जीरा ठीक है सॉफ्ट जो हमने देखा वो यानी क्यूमन और एनी सीड तो हो ही गया मस्टर्ड भी यूज होता है ठीक है तो यही लिखना है हमको क्यूमन मस्टर्ड और एनी सीड देखो यहाँ पे सारे बने भी हुए हैं ये सारे मसालों की तरह यानी मम्मा जो है जब सब्जी बनाती हैं तो ये सीड्स डालती हैं जी हाँ हम सब्जी में भी बीज डालते हैं तो जो सीड्स हैं वो हमारे सब्जी बनाने में मसालों के काम भी आते हैं ठीक है सो आई एम राइटिंग अ लाइन हेयर बट ये आपको अपनी नॉलेज के लिए कहीं पे लिखनी है सीर्स आर ऑल्सो यूज टू कुक फूड एज स्पाइसेस तो ये भी ध्यान रखो कि सीड्स का यूज हम और कैसे कर रहे हैं हम सीड्स को स्पाइसेस की तरह भी यूज़ करते हैं मम्मा मसाले की तरह भी जो हमें खाने में स्वादिष्ट और फेरी टेस्टी टेस्ट देता है इसलिए तो मम्मा इसको सब्जी में डालती है और टेस्टी टेस्टी बनाती है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसलिए इसको कहीं पर भी लिख सकते हो और ये जो सीड्स हैं ये हमारे काम आते हैं क्यूमन मस्टर्ड और एनी सीड ठीक है नेक्स्ट सीड्स ऑफ वेजिटेबल वेजिटेबल में कौन से कौन से सीड्स होते हैं लड्डुफिंगर टोमेटो कुकुम्बर इन सब में भी सीड्स होते हैं और आप और भी जैसे बता सकते हो कि बाकी सारी जिन जिन जि जि वेजिटेबल में आपको पता हो सबका नाम लिख सकते हो ठीक है सो वेक्स्ट इज सीड्स ऑफ फ्रूट्स एप्पल है ऑरेंज में, में, में आपको, आपको बड़ा मिलता है ठीक है तो ये सारे सीड्स भी होते हैं नेक्स्ट क्या है लाइट सीड्स लाइट में यानी जिसमें लाइट जलती वो वाला नहीं लाइट यानी हल्के हल्के सीड्स कौन से होते हैं अब ये आप कैसे देखो उसमें उनने ये भी बता दिया कि कैसे चेक करो उनको ऐसे हाथ में रखो अस्व... ब्लो करके देखो जो उड़ जाए तो वो यानी कि बहुत हल्के हैं तभी तो आपके हवा से उड़ गए और जो सीड्स ना उड़े तो वो सीड्स कैसे हैं वो सीड्स भारी हैं वो नहीं उड़ सकते हैं तो जैसे आप ये करोगे क्यूमन और एनी सीड्स बहुत हल्के होंगे इनको हाँ हाथ में रखो मम्मा से बोलो थोड़ा जीरा रखें फूकोगे गिर जाएंगे जैसे एनी सीड्स रखोगे ब्लो करोगे वो भी गिर जाएंगे तो क्यों गिर जाएंगे क्योंकि वो लाइट सीड्स हैं तो इसमें उसमें आप क्यूमन और एनी सीड्स लिख दो तो उनके नाम भी लिख दो राजमा एप्पल एनी सीड्स सीसेम ये सब कैसे सीड्स हैं बिल्कुल फ्लैट सीड्स है ठीक है मेक मोर ग्रुप्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक आप उनने बोला है और ग्रुप्स बनाओ लाइक <laughs> like अभी आपने लाइट सीड्स देखे अभी आपने ये देखा कि इनको हम स्पाइसेस की तरह यूज़ कर सकते हैं वो सीड्स कौन से होते हैं फ्रूट के सीड्स कौन से होते हैं वेजिटेबल सीड्स कौन से होते हैं ये सारे कैटेगरी देखी अब वो बोल रहे हैं ऐसी और कैटेगरीज आप बनाओ तो आप क्या क्या बना सकते हो सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज़ फॉलोज जैसे कि एडिबल एडिबल यानी खा जिन सब को चख सकते हो आप सीड्स विच गिव ऑयल कौन सा सीड्स ऑयल देते हैं सीड्स टू यूज स्पाइसेस तो ये तो आपने भी देखा ही है खैर सीड्स 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 फ्लोटिंग ऑन वाटर वाटर सिंकिंग इन वेरी वेरी स्मॉल बिग ठीक है ये चीजों पे भी आप बना सकते हो है ना आप इनमें आपका मैंने ये तो कैटेगरीज बता दी आपका होमवर्क है कि ये एक एक सीड इसके आगे आपको लिखना है ठीक है दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू राइट वन वन सीड्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसमें अगर आप इस पर लिखते हो तो सीड सिंकिंग इन वाटर सीड्स फ्लोटिंग इन वाटर ठीक है और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करूँगी हंड्रेड एंड वन परसेंट कि ये जो आपने इसमें क्या आंसर लिखा है और क्या होना चाहिए बाकी तो सिंपल आप लिख सकते हो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर सकते हैं ये भी लिखोगे ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो वेरी स्मॉल वेरी बिग ये सारी चीजें आप लिख सकते हो क्लियरली ये कोई डिफिकल्ट नहीं है ठीक है ये जो चीज लिखोगे इस पे मुझे आंसर आपका चाहिए तो होमवर्क ये है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ठीक है ये मुझे चाहिए क्लियर है चलो नेक्स्ट क्या है डू यू नो एनी गेम्स विध योर फ्रेंड्स अब हम सीट से कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं क्या आप ऐसे गेम्स जानते हो दैट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू कि आप सीट से कभी कोई गेम खेलते हो तो आपने खेला या नहीं खेला वो पता नहीं बट हमने बहुत खेला है कि जो इमली आती है इमली खाने में कह सकते एकदम खट्टी लगती है ना तो इमली जब हम खाते हैं तो उसमें क्या लगता है हमको उसमें एक बीज भी आता है इमली तो खट्टी होती है पर उसमें जो बीज आता है वो जो बीज होता है उससे हम काफ़ी सारे गेम्स खेलते थे ठीक है तो आप उसमें उसका नाम लिख सकते हो टर्मरेन टर्मरेन सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू हाफ्स एंड चिल्ड्रन प्ले अ गेम विद मतलब पहले तो खेला जाता था एंड मैंगो सीड्स आर और आल्सो यूज्ड टू मेक टाइप ऑफ फ्लूट फ्लूट यू नो फ्लूट क्या होती है फ्लूट यानी कि बाँसुरी तो बाँसुरी जैसी बनाने के लिए हम मैंगो का भी मैंगो की सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इमली जो है इमली के सीड्स से तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले हैं यूजअली मम्मा से पूछोगे पापा से पूछोगे तो दिल ऑल्सो से कि हाँ हमने गेम्स खेले हैं किससे अपने इमली के बीच से ओके सो ये चीज़ तो आप कर सकते हो और अपनी मम्मा से पूछो ये दो सीड्स का आप नाम ले सकते हो जिनसे हमने गेम्स भी खेले तो सीड्स इतना ही नहीं और किन कामों में यूज होती है गेम्स खेलने के लिए भी सीड्स का हम यूज कर सकते हैं ठीक है चलो विद दिस टूडे क्लास इज ओवर आज की क्लास होती है खत्म आज की क्लास में हमने ढेर सारी चीज़ें कवर करी ढेर सारे सीड्स के बारे में पढ़ा कितने सारे सीड्स होते हैं और उन सीड्स के अलग अलग यूजेस देखे हमने कि हम कहाँ कहाँ उनके यूजेस कर सकते हैं कैसा उनका पीरियंस रहता है कैसे वो सीड्स दिखते हैं ये भी हमने आज की क्लास में देखा सो आई होप कि आपको अभी तक हम सीड्स एंड सीड्स जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा और अगर आपको मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में और आपको कुछ समझ भी आ रहा है तो और क्या चाहिए अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए जिससे वो भी पढ़ सके हम और आपके साथ ठीक है तो हम साथ मिलकर पढ़ सकते हैं बाकी तो हम सब जानते ही कि सिर्फ क्लास फिफ्थ नहीं आपको किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्थ हर क्लास आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ मिलेगी इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेंज पर और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए नोट्स भी मिल जाए तो वो भी मिल जाएंगे ई बुक्स ई नोट्स जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है ओके स्टूडेंट्स सी यू द नेक्स्ट क्लास टिल टैन स्टेट